हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ से एक नजीबुल। आपको स्वागत है मेरे इस नजीबुल से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल के लिए एक सुंदर सा लोगो बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो पे आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अगर ये लोगो बनाओगे तो आप ये बहुत एकदम ईजी तरीके से बना सकते हो। और दोस्तों, उस एप्लीकेशन से जो है आप अपना यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि ये पिक्सार्ट एप्लीकेशन एकदम ही नहीं है, ये एक और भी एप्लीकेशन है, तो उसके ज़रिए मैं इसको बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, हम लोग एक नया फनी का चैनल बना रहा है, तो उस चैनल का ही लोगो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं ये करने के लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा। अगर आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो आप सीधा प्ले स्टोर में जाइए और जाके पिक्सेल लैब लिख के सर्च कर लेना, तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ओपन कर देना। ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इधर इमेज साइज पर क्लिक कर देना और इधर से स्क्वायर को सिलेक्ट करके ओके कर देना। ठीक है, तो ये स्क्वायर साइज हो गया। अब इधर देखिए, चौथा ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इधर कलर है, कलर पर क्लिक करके आप एक कलर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आप सीधा मेरा बनाना सीखिए, आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, तो आप देख लेना और आप भी बना सकते हो ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों देखिए, मैं वाइट कलर सिलेक्ट कर लिया और अब ये जो टेक्स्ट था इसको मैं डिलीट कर दिया। और दोस्तों देखिए, अब क्या करना है, ऊपर में देखिए कोन में प्लस बटन है, उधर क्लिक करके इधर शेप है, तो इस शेप के ऊपर क्लिक करके आपको इधर क्लिक कर देना है और इधर देखिए सर्कल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप नीचे पे जाइए, देखिए आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सीधा नीचे पे जाइए और जाके देखिए इधर कलर है, तो इधर आप एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इस रेड को सिलेक्ट कर लिया, ये देखने में अच्छा लगेगा। और अब इसको थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अब जूम करने के बाद इसको क्या करना है, नीचे पे देखिए आपको सीधा इधर मिडिल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इधर स्ट्रोक आपको मिल जाएगा, तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है और इधर देखिए नीचे पे थोड़ा इसको बढ़ा देना है। तो देखिए दोस्तों इस रेड का बॉर्डर में कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये ब्लैक कर दिया तो इस देखने में अच्छा लग रहा है। अब प्लस बटन पर क्लिक करके आपको सीधा जाना है गैलरी पर, और गैलरी पर जाके आपको कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक फ़ोटो डाउनलोड करके रखा था क्रोम से, तो आप भी आप फ़ोटो डाउनलोड कर लेना एक। तो देखिए मैं जो फ़ोटो डाउनलोड किया वो है एक हाँसी का फ़ोटो है। तो दोस्तों मेरा चैनल का जो नेम है हाँसी का पासवर्ड, तो इसीलिए मैंने ये हाँसी का इस फ़ोटो को मैंने डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा क्रॉप करके आपको इसको सेट कर लेना है, इसको आपको सर्कल कर लेना है। ठीक है, और इसको सेट करके आपको ओके कर देना है और इधर इसको मिडिल पे इसको आपको ठीक से सेट कर देना है। तो देखिए मैं सेट कर दिया। अब दोस्तों क्या है, इसके ऊपर भी आपको स्ट्रोक डाल देना है, तो आप सीधा स्ट्रोक को ढूंढ लेना और इसको स्ट्रोक डाल देना। अब ब्लैक डालना। ठीक है, तो देखिए ये ब्लैक जो है रेड के ऊपर देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं ब्लैक को बार बार डाल रहा हूँ। आप जब अपना लोगो बनाओगे तो आप अपना पसंद जैसा सेट कर सकते हो। तो देखिए ये ब्लैक डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको आपका चैनल का नेम लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर में कोने पर प्लस पे क्लिक करके फिर से इधर टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट के ऊपर आपको डबल टैप कर देना है और करके आपको कुछ लिख देना है। तो चलिए मैं हमारा जो चैनल है हंसी का पासवर्ड उसका नेम लिख देता हूँ। तो देखिए लिखने के बाद ओके कर देना। और दोस्तों अब क्या करना है, आपको सीधा आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है इसका। तो आप सीधा ए के ऊपर क्लिक करके एक कलर सिलेक्ट कर लेना, इधर कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और कलर करने के बाद आपको फिर इधर नीचे पे देखिए आपको कार्व का ऑप्शन मिल जाएगा, इस कार्व के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा बढ़ा देना है। तो देखिए मैं पूरा बढ़ा देता हूँ, ये 100% मैंने कर दिया। तो देखिए ये जो है ये मैंने लिखा, ये देखने में अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है, फॉन्ट ढूंढ लेना है और फॉन्ट पे क्लिक करके आपको एक फॉन्ट इधर से सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये फॉन्ट भी सिलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपको इस राइटिंग का साइज़ थोड़ा आपको बढ़ा देना है। इधर नीचे पे आपको साइज़ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप साइज़ के ऑप्शन को ढूंढ के इधर इसको थोड़ा आपको बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए ये बढ़ा देता हूँ मैं। तो बढ़ाने के बाद इसको आपको इधर ठीक से सेट कर देना है। तो देखिए ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। आप दोस्तों क्या है, इसका ब्लैक है तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये इसका कलर इधर देखिए, इसके ऊपर क्लिक करके कलर को ढूंढ के आपको ये कर देना है। इधर इसको मैं येलो कर दिया, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप क्या करूँगा, इस राइटिंग का ऊपर थोड़ा स्ट्रोक डाल दूंगा। तो देखिए ये नीचे पर इधर स्ट्रोक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको इधर स्ट्रोक को क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ा देना आप स्ट्रोक को। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है कितना स्ट्रोक डालने के बाद। और आपको क्या करना है, इधर फिर से आपको टेक्स्ट लेना है और आपको इधर हिंदी में एक बार लिख देना है हंसी का पासवर्ड। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इधर, और लिखने के बाद आपको फिर से पहले के तरफ आपको इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है, इसका
फ़ॉन्ट ढूंढ लेना है आपको, इसके ऊपर स्ट्रोक डाल देना है, कलर डाल देना है, और डालने के बाद आपको इसको कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद इसको आपको थोड़ा कार्ब को थोड़ा बढ़ा के कमा के आपको इसको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कमा दिया, और इसको मैं अभी साइज बढ़ा के सेट कर देता हूँ। देखिए ये मैंने सेट कर दिया, तो देखिए ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने इसको वाइट रख दिया, तो ये देखने में वाइट में अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने वाइट रख दिया। और देखिए ऐसे इसको आपको सेट कर देना है। ठीक है, तो सेट करने के बाद मैं इधर दो इमोजी डाल देता हूँ। ठीक है, ये हंसी का पासवर्ड है, तो थोड़ा दो हंसी का इमोजी डाल देता हूँ, देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो इधर टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं एक हंसी का इधर देखिए इमोजी है, तो इसको मैं लिया, और लेने के बाद ओके कर दिया, और इसका साइज़ बढ़ा दूंगा मैं। तो बढ़ाने के बाद देखिए ये बढ़ा दिया मैंने, दिखने में अच्छा लग रहा है बढ़ाने के बाद, तो ऐसे कर दिया। अब राइट पे क्लिक कर दूंगा, और करने के बाद दोस्तों देखो आप, इसको थोड़ा सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद मैं इसको राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और देखिए राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर नीचे पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी के पे क्लिक करके आपको इसको कॉपी कर लेना है, और दोनों साइड में इसको डाल देना है। तो देखिए ये आपका लोगो पूरा रेडी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको पसंद है, और आप ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, प्लस के पास एक सेव वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सेव कर लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट एंड शेयर एंड लव। खुदा हाफिज़।